नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। और हमने अभी खबरों में देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के लिए अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि अब वो कमला हैरिस से डिबेट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो जीते हैं जो पिछली डिबेट हुई है उसमें, और उनके पास कोई वजह नहीं है अब आगे डिबेट करने के लिए। और कमला हैरिस मांग इसलिए कर रही हैं तीसरी डिबेट के लिए क्योंकि वो एक प्राइज फाइटर की तरह व्यवहार कर रही हैं, और इसलिए वो इस तरह की मांग कर रही हैं। लेकिन जो बाकी सर्वेक्षण है उसके बाद के डिबेट के, वो बताते हैं कि असल में ट्रंप का दावा गलत है। वो जीते हुए, अधिकतर लोग उन्हें उन्हें जीता हुआ नहीं मान रहे हैं इस डिबेट में। और ये डिबेट जो है काफ़ी वहाँ पर मायने रखता है, लोग इसे काफ़ी संख्या में देखते हैं। इस पर, ट्रंप के इस रवैये पर और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह है, इंटरनेशनल स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं JNU में। बहुत स्वागत है सर आपका। ये जो ट्रंप का धन्यवाद। बयान, जी ट्रंप का जो बयान आया है, ये थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि कुछ जानकार जो हैं वो ये मानते हैं कि जब वो डिबेट के बाद मीडिया के सामने गए तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये था कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, इसलिए उनको बाद में भी एक नैरेटिव सेट करना है। लेकिन अब कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि मैंने तो जीत लिया ये डिबेट, मुझे करने की जरूरत नहीं है। कमला हैरिस जो है वो हारे हुए ओपोनेंट की तरह बिहेव कर रही है, इसका क्या मतलब लगाए? देखिए, लगातार पहले अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान भी और उसके बाद भी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा अपने आप को विक्टोरियस बताते हैं, अपनी जीत हमेशा बताते हैं। जनता में या मीडिया में जो भी सोच रहे वो हमेशा कहते हैं कि मैं जीत गया हूँ, मैं सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हूँ, मेरी नीति सबसे अच्छी है, भाषण बहुत बढ़िया है। तो ये जितने भी पोल सर्वेज हुए हैं अलग अलग मीडिया हाउसेस की जाने, तो उसमें नजर आ रहा है कि बड़ी तेजी से कमला हैरिस जो राष्ट्रपति हैं इस वक्त, वो तेजी से उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग बढ़ रही है। तो ठीक जैसे राष्ट्रपति जो बाइडन कैंडिडेट थे उसके दौरान आप देख रहे थे कि डेमोक्रेटिक पार्टी में बहुत उथल पुथल हो रही थी, अलग अलग टकराव हो रहे थे, ठीक वैसे ही टकराव आज आपको रिपब्लिकन पार्टी में नजर आने शुरू हो गए हैं। तो इसके जाहिर अपनी असेसमेंट में उन्होंने ये सोचा कि शायद फिर से यदि डिबेट करेंगे तो उनको ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि वो डिबेट नहीं करना चाहते। हालांकि ये जरूरी नहीं है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है अमेरिका में कि डिबेट होनी ही चाहिए या कितनी डिबेट होनी चाहिए। इससे पहले भी राष्ट्रपति इस तरह से मना कर चुके हैं। एक बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रपति, आपको याद होगा, रूजवेल्ट, दूसरे विश्व युद्ध के बाद उन्होंने मना किया था कि मैं डिबेट नहीं करूंगा, तो वो कर सकते हैं मना। उनकी असेसमेंट यही है कि क्योंकि कमला हैरिस बहुत प्रसिद्ध हो रही है तेजी से और उनकी अपनी पार्टी में लोग का जो रुझान है वो बदल रहा है, इसलिए वो नहीं चाहते कि एक और। जी, और जो ताज़ा जो नंबर्स आए हैं उसमें भी ये दिख रहा है कि रॉयटर्स इप्सोस का जो पोल है उसमें कहा जा रहा है कि 47% से कमला हैरिस लीड कर रही हैं और ट्रंप के 42% है। तो ये जो डिफरेंस है वो इस डिबेट के बाद अचानक से बढ़ा हुआ दिखता है। बिल्कुल, आप देखें पहले से ही जैसे ही कमला हैरिस का नॉमिनेशन अनाउंस हुआ कि वो कैंडिडेट होंगी डेमोक्रेटिक पार्टी से, तभी से बड़ी तेजी से जिस तरह से जिस तरह की असेसमेंट प्रेसिडेंट बाइडन की थी उससे हटकर बड़ी तेजी से डेमोक्रेटिक पार्टी कैंडिडेट जो है वो ज्यादा पॉपुलर होते हुए नजर आए हैं और फंड रेजिंग में फर्क नजर आया है। और ये डिबेट के बाद जाहिर है क्योंकि वो तो व्यवसायिक नजरिए से आप देखें तो वो उनको डिबेट करने में बहुत माहिर रहते हैं, उनका पूरा प्रोफेशन है, वो एडवोकेट रह चुकी हैं। तो इसके यहाँ तक आप देखें कि जो रिपब्लिकन पार्टी राष्ट्रपति ट्रंप के जो फंडर्स हैं, जो उनके एडवाइजर्स हैं, वो भी आज मान रहे हैं कि वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि शायद सब्सटेंस को देखें तो ट्रंप ज्यादा प्रभावी रहे, पर आपको यदि बात करने का तरीका या बात करने के लिए जो तैयारी हुई, डिलीवरी कैसी हुई, उस नजरिए से आज रिपब्लिकन पार्टी के लोग भी ये मान रहे हैं कि इस बहस में कमला हैरिस की जीत हुई है और शायद इसलिए वो एक और डिबेट नहीं चाहते हैं।
और वो डिबेट शायद बहुत पास भी है चुनाव के, 25 सितंबर की तारीख तय की गई थी, तो शायद उसका इम्पैक्ट उनको लगता हो कि ज्यादा होगा इतने करीब होने पर, और यही वजह है कि कमला हैरिस चाहती हैं कि वो डिबेट हो, उनकी टीम इसके लिए पुश कर रही है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि जिस तरह से कमला हैरिस इस बार डिबेट में आगे मानी जा रही हैं, अगली डिबेट होती है तो कोई गारंटी नहीं है कि ट्रंप अपनी गलतियों से सीख कर वहाँ पर बेहतर परफॉर्म ना करे, तो ये दोनों के लिए ही थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है जो तीसरा डिबेट हो। दोनों कैंडिडेट्स का जो अपना पूरा जीवन का नजरिया है, उनका जो एक्सपीरियंस है, जो तरीका है, वो खास एक डिबेट में बदल जाएगा ये संभव नहीं है, इसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने तरह से बात करेंगे और उस नजरिए से देखें तो जो डिलीवरी है डिबेट में वो कमला हैरिस की जाहिर है कि बेहतर होगी यदि एक और डिबेट होती है तो। और आप देखें ये जो इस तरह की टेलीविजन पर, रेडियो पर और सोशल मीडिया पर लाइव टेलीकास्ट होता है डिबेट का, उसका सबसे ज्यादा फोकस होता है अनडिसाइडेड वोटर्स के, एक तो पूरा कैडर बेस्ड पार्टी सपोर्ट, उनका आइडियोलॉजिकल सपोर्ट है डिबेट को, बहुत से ऐसे भी वोटर्स हैं जो अनडिसाइडेड है, इस तरह की डिबेट उनको इन्फ्लुएंस कर सकती है। हालांकि आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2016 में अमेरिका की सबसे ज्यादा पॉपुलर डिबेट हुई थी, करीब 86 मिलियन लोगों ने उसको टेलीविजन पर देखा था और रेडियो और रियल टाइम सोशल मीडिया पर देखा था, और वो डिबेट आपको याद होगा प्रेसिडेंट ओबामा में और हिलरी क्लिंटन में डिबेट हुई थी। उस वक्त भी कहा था कि हिलरी क्लिंटन बहुत ही पावरफुल कैंडिडेट है, पर यदि आप सोचें कि वोटर्स का रुझान क्या होता है अमेरिका में, आज तक अमेरिका ने किसी भी महिला को राष्ट्रपति पद पर नहीं चुना है, एक वो जो रवैया है जिसको कह सकते हैं कि वो ऑब्स्क्योरेंटिस्ट है या कंजर्वेटिव रवैया है, उसको भी ध्यान देना होगा। ये जो पॉपुलैरिटी है क्या वो वोटों में तब्दील होगी या नहीं, वो एक अलग सवाल है जी, और शायद ये सबसे बड़ा सवाल है, और यही वजह है कि कमला हैरिस और उनकी जो पूरी टीम है, इनफैक्ट जो पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो स्विंग स्टेट्स पर अब सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही है, वो स्टेट्स जो कि किसी भी पक्ष में वोट कर सकते हैं। लेकिन यही जो स्ट्रैटेजी है वो ट्रंप भी कुछ हद तक, कुछ वक्त तक फॉलो करते नज़र आए, लेकिन वो कई बार अपने जो एक उनका एक एंगल होता है या एक उनको शायद एक ब्रीफ दी जाती है उससे वो हट जाते हैं, जो कि उनके और कमला हैरिस के बीच में जो डिबेट हुआ उसमें यही लगा कि जो ब्रीफ थी उससे ज़्यादा वो डिफेंसिव हो गए। उन्होंने, कमला हैरिस ने जिस तरह से उनके ऊपर हमले किए कि उनकी रैली में लोग उठ के चले जाते हैं, या फिर ये इस तरह से फ्रॉड हैं, क्रिमिनल हैं वगैरह, तो ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा, क्योंकि ये बात मीडिया में आ चुकी है कि उनके एडवाइजर्स भी यही कह रहे हैं कि क्या वजह थी इस तरह की परफॉर्मेंस की। उनके नजरिए में यही था कि जो उनको बताया गया था या दिया गया था डॉक्यूमेंट्स, उससे हटकर उन्होंने जब बात करनी शुरू की तो उनका पलड़ा था वो कमजोर हुआ, और क्योंकि कमला हैरिस को डिबेट करना प्रोफेशनली बहुत अच्छे से आता है, इसलिए चाहे सब्सटेंस पर वो कमजोर हो सकती थी, क्योंकि वो अभी उपराष्ट्रपति हैं और उनके कार्यकाल में क्या हुआ नहीं हुआ उस पर बहुत सी बातचीत हो सकती है, जो कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के बारे में वो बात नहीं हो सकती, उनकी परफॉर्मेंस का कार्यकाल बहुत अच्छे है। तो इसलिए ये भी माना जा रहा है कि यदि डोनाल्ड ट्रंप सीधा बात करते हैं इस तरह की डिबेट में तो रिपब्लिकन पार्टी को या उसको खुद नुकसान हो सकता है, इसलिए प्राइमरीज पर डिबेट करने की पूरी कोशिश है कि जो आपने जैसे कहा स्विंग स्टेट्स है उसमें पार्टी का, पार्टी के कैडर का, उनके एडवाइजर्स का, उनके डोनर्स का बहुत प्रभाव रहता है, और कैंडिडेट एक सीमित समय के लिए एक बताई हुई भाषा में अपना भाषण देते हैं, तो वो जो रणनीति है उनको लगता है कि वो बचा सकती है इस तरह के नुकसान से रिपब्लिकन पार्टी को। और जाहिर है इसी ठीक इसी वजह से कमला हैरिस चाहेंगे डिबेट हो और कम से कम एक डिबेट और हो, और अभी उनके उपराष्ट्रपति के जो दो कैंडिडेट हैं जेडी वांस और टिम वॉल्स, उनमें भी डिबेट होने वाली है 1 अक्टूबर तारीख है, उसी में क्या वो उसको करेंगे या नहीं करेंगे वो भी एक मुद्दा इससे उभर सामने आ जी। एक आखिरी सवाल आपसे कि आपने बोला कि अभी तक अमेरिका ने कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं चुनी है, लेकिन हिलरी क्लिंटन के वक्त में शायद उनके जो ओपोनेंट थे वो ज़्यादा हावी हुए और
ट्रंप वाला एक्सपीरियंस नहीं था। ट्रंप का जो एक्सपीरियंस अमेरिका को रहा है या अधिकतर वोटर्स जो देख रहे हैं, जो अंदाज़ा है कि वो सत्ता में आने पर क्या करेंगे, और बाकी जो कैंडिडेट्स धीरे धीरे कमला हैरिस के सामने आने के बाद डेमोक्रेट में जो दावा पेश कर रहे थे वो पीछे हो गए। तो अब हालात शायद वहाँ पर इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, जिसको कहते हैं कि राइप टाइम है कि एक महिला जो है वो हो सकता है चुनी जाए, पोल्स वगैरह सब बता रहे हैं कि वो आगे चल रही हैं, लेकिन इन डिबेट्स का उनके लिए शायद अच्छा असर हुआ है। उनका कंपैरिजन जो है वो जो बाइडन से भी किया जा रहा है कि बाइडन तो उन्होंने ऐसा डिबेट किया कि भारी हो गए, और उनके लिए ये सबसे बेहतरीन टाइम है। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के आपको लगता है कि आज एक ऐसी स्थिति बनी है जहां पर शायद किसी भी महिला कैंडिडेट के लिए एक सबसे बड़ा मौका, सबसे सही सिचुएशन अमेरिका में बना हुआ है? सबसे पहले तो यदि कमला हैरिस राष्ट्रपति चुनी जाती हैं तो मुझे लगता है सबसे बड़ा फायदा ये अमेरिका के इतिहास को होगा, वहाँ की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख जो है उस पर उनको फायदा होगा। जाहिर है कि भारत में भी ये उम्मीद है कि कमला हैरिस बने, दक्षिण एशिया को पूरी उम्मीद है कि वो बने, उससे शायद इस क्षेत्र को भी तालमेल बनाने में फायदा हो सकता है। और जैसा आपने कहा कि इतिहास में ये हुआ नहीं अभी तक कि कोई महिला को राष्ट्रपति चुना, दो बार या तीन बार पहले भी कोशिश हुई इस तरह की पर वो चुनी नहीं गई। और आपने जब कहा कि हिलरी क्लिंटन बहुत ही तरह से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की तरह उभरी थी, उस वक्त भी अमेरिका को वोटर्स को यही च्वाइस सामने थी कि क्या पहली बार इतिहास में एक कलर्ड व्यक्ति को, एक ब्लैक व्यक्ति को आप चुनेंगे राष्ट्रपति या एक महिला को चुनेंगे। तो उस वक्त भी अमेरिकन वोटर्स ने एक ब्लैक आदमी को चुना बजाय कि एक महिला को चुनने के। हालांकि उस वक्त ऐसा कहा जाता था कि ये जो टक्कर है हिलरी क्लिंटन की और ओबामा की, उस तरह की टक्कर पूरे इतिहास में हुई नहीं है। और वही वक्त था जैसे मैंने कहा कि 84 मिलियन केवल एक बार हुआ है इतिहास में, टेलीविजन पर थे। तो यदि बहस होती है फिर से ट्रंप और कमला हैरिस में, तो जाहिर है कि कमला हैरिस को फायदा होगा, और जितनी तेजी से उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी फंडिंग सामने आई है बढ़ती हुई, वो और आगे बढ़ेगी। और यदि डिबेट होती है तो उससे ये संभावना और भी सुदृढ़ हो जाएगी कि शायद पहली बार एक महिला व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति के नजरिए से के तौर पर चुनी जाए। और मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत अच्छा होगा ये अमेरिका के भविष्य के लिए और के इतिहास के लिए। जी बहुत शुक्रिया स्वर्ण सिंह सर हमसे बात करने के लिए इस खास मुद्दे पर। नमस्कार।